हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज मैथ की क्लास में हम करेंगे बड़ी व छोटी संख्या बनाने सीखेंगे एक से नौ तक के अंकों से, यानी एक से नौ तक के जो अंक हैं उनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अंक, यानी एक अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक, एक, और एक अंक की बड़ी संख्या होती है नौ, क्योंकि नौ के बाद आ जाता है दस और दस में हमारे दो अंक आ जाते हैं। इस वजह से जो बड़ी होगी एक अंक की संख्या वो होगी हमारी नौ और जो छोटी होगी वो होगी एक। अब आगे आती है बारी दो अंकों की छोटी और बड़ी संख्या बनाएंगे। तो दो अंकों की जब हमें छोटी संख्या बनानी है तो उसमें हम लेंगे दस। होने को तो आप कह दो कि ग्यारह में भी दो अंक है, पर ग्यारह से छोटा दस आता है। अब आती है बात बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या के अंदर हम जो बड़ा अंक होता है वो लेंगे। बड़ा अंक कौन सा हमारा? नौ, यानी दो नौ लगाएंगे, क्योंकि 99 के बाद अगली संख्या क्या आती है हमारी? 100, और 100 में कितने अंक हो जाते हैं? तीन। तो इसलिए हमारे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 99। अब आती है बारी तीन अंकों से। तीन अंकों से छोटी संख्या बनाएंगे। तो तीन अंकों से छोटी संख्या हमारी होगी 100, यानी एक और दो जीरो लगा देंगे। उसके बाद में तीन अंकों की बड़ी संख्या, तीन अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी? 999, क्योंकि 999 है और इसके बाद में अगर एक प्लस करें तो हो जाएगी हजार, और हजार में हमारे कितने अंक आते हैं? चार अंक आते हैं। अब चार अंकों से छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे एक लगाकर, आगे हम तीन जीरो लगाएंगे। हो गए हमारे चार अंक पूरे। अब आती है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 × 9 लिख देंगे। तो ये हमारी संख्या बन गई 9999। उसके बाद में पांच अंकों से छोटी संख्या, पांच अंकों से छोटी संख्या बनाएंगे हम। तो ये हमारी पांच अंकों की छोटी संख्या बनकर तैयार हो गई है। तो ये कितनी बनी है हमारी? 10,000। उसके बाद में बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या में 99,999 ये हमारी बड़ी संख्या बन गई। इसके बाद में इसी तरह छह अंकों की छोटी संख्या, तो एक लगा देंगे, इसके आगे हम पांच जीरो डालेंगे और ये हमारी छह अंकों की छोटी संख्या बन गई। अब छह अंकों की बड़ी संख्या भी उसी तरह जिस तरह एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें आप हमारे कितने बार नौ लिखेंगे? छह बार लिखेंगे, यानी 6 times। छह, और इसी तरह बच्चों जैसे अब छह अंकों की होगी, सात अंकों में हम यहाँ पे सात अंक बनाएंगे और यहाँ पे सात नौ लिख देंगे। उसके बाद में आठ की बात बारी आती है, तो आठ में भी हम एक लगा के आगे सात जीरो लगा देंगे और नीचे 8 × 9 लिख देंगे। इसी तरह ये हमारी संख्या आगे बढ़ती जाती है। बच्चों, मैथ की क्लास में आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट टाइम क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।